वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में ऑनलाइन पेंटिंग स्कूल। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट जैक नॉर्वे। और आज ही लास्ट टॉपिक के अंदर, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में हमने सीखा था आइज बनाना, एक चेहरे को बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आंखें, और आंखें हमारे चेहरे की खूबसूरती बयां करती है। उसी तरीके से आज का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा नोज। जी हाँ दोस्तों, अरे बाप रे, एक तो नाक खड़ी ऊपर से इतनी हार्ड। जी हाँ दोस्तों, नाक खड़ी है ऊपर से हार्ड है, और अक्सर हम जब भी चेहरा बनाते हैं नाक नहीं बन पाती है। तो आज का टॉपिक हमारा नाक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक, तो सबसे पहले हमें एक नॉर्मल पेंसिल चाहिए, HB की कोई भी नॉर्मल पेंसिल हम यूज़ कर सकते हैं, एक नॉन डस्ट इरेजर, सिंपल। तो स्टार्ट करते हैं। तो नोज़ हम लिखते हैं आज का टॉपिक, नोज़। और नोज़ का कोड है मेरा L+C। जी हाँ दोस्तों, L+C हमारा आज का टॉपिक है। L+C से हम डिफरेंट नोज़ बना सकते हैं। तो फर्स्ट नोज़ आज जो हम बनाने वाले हैं, उस नोज़ को हम कहते हैं साइड नोज़। तो उसका कोड हमारा L+C = नोज़। नोज बनाने के लिए बहुत सिंपल से टॉपिक है हमारा। हम सबसे पहले एक एल लेंगे, एल को हम कर्व देंगे, और सी। देखिए कितने हमने खूबसूरती के साथ एक नोज क्रिएट कर दी है। इस नोज को हम कहते हैं साइड नोज। अक्सर आपने देखा होगा जब किसी का चेहरा साइड में होता है तो उसको इस तरीके से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर हमें इसमें शेडिंग डालनी हो तो हम उसी को ही हम दोबारा बनाएंगे। एक एल लिया, उसे कर्व दिया, जैसे कि मैंने आपको शेडिंग वक्त, जब हम पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग करते वक्त हमें लास्ट वाली फिंगर बाहर निकालनी, जिससे हमारा ना पेपर गंदा हो ना हाथ। आप अक्सर देखेंगे मेरा हाथ गंदा नहीं होगा ना पेपर गंदा होगा। सेम इसी तरीके से हम जब शेडिंग करते हैं तो शेडिंग करते वक्त पेंसिल हमें कुछ इस तरीके से पकड़नी है। हमें हाथ में पेंसिल रखनी है, लास्ट वाली फिंगर ऊपर रखनी है, और जिस तरफ से शेडिंग की नोक होगी यानी कि जो पेंसिल की नोक होगी उसको नीचे इस तरीके से हम सेट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं, हमेशा ध्यान रहे शेडिंग जहाँ से भी डार्क करें और जहाँ लाइट टोन करें उसे मर्ज करते हुए चलें, शेडिंग के स्ट्रोक को ना छोड़ें। अब उसके बाद हम डिटेल निकाल सकते हैं। डिटेल के लिए फिर से दोबारा हम ऐसी पेंसिल पकड़ेंगे, देखा आपने, ये हमारी साइड नोज क्रिएट हो चुकी है। ध्यान रहे साइड नोज में अक्सर लोग ये नोज बहुत ऊपर चढ़ा देते हैं, ज़्यादा ऊपर ना करके थोड़ा सा लिटिल बिट नीचे। ये आपको मैंने एक शेडिंग वाली सिखा दी, अगेन मैं एक बार आपसे फिर दोबारा मैं आपको सिखा रहा हूँ। बहुत ही हल्के हाथ से काम करेंगे, इस तरीके से आपके नोज, नोज का नथुना और सी यानी कि उल्टा सी का हम यूज करने वाले हैं। तो ये तो हो गई हमारी साइड नोज। अब चलते हैं फुल नोज पे। फुल नोज का जो हमारा कोड है वो हमारा V+C = नोज। तो ये हमारा फुल नोज।
यानी कि जब चेहरा हमारा सीधा होता है, यानी कि जिस नोज की मैं बात कर रहा था, खड़ी नोज हम कैसे बना सकते हैं, तो खड़ी नोज बनाने के लिए हमें वी प्लस सी का यूज करना है, इज इक्वल टू नोज। अब वी प्लस सी हाउ इज पॉसिबल, कैसे बन सकता है वी प्लस सी से नोज? तो वी प्लस सी से हम नोज क्रिएट करते हैं अगेन। सबसे पहले हम एक फ्री हैंड स्केच क्रिएट करते हैं, एक हमने वी बनाया, सी सी, और देखिए कि जिस तरीके से हमारी नोज क्रिएट हो गई, ये होती है हमारी फ्रंट नोज की नोज। तो वी प्लस सी और सी, यानी कि एक सीधा सी और एक उल्टा सी से। अब जब अगर हमें सेड की बात है, तो सेड भी हम बहुत इजी तरीके से और अच्छे से कर सकते हैं। वी हमारा हमेशा कर्व में वो बिल्कुल नुकीला होता है, वी को हम थोड़ा सा कर्व देंगे, अब इसमें हम शेड करते हैं। शेड के लिए हम यूज वही सेम उस तरीके से पैटर्न से जैसे मैं पेंसिल हमेशा आपको पकड़ना सिखाता हूँ, पेंसिल इस तरीके से हाथ ये रखना है, और आप देख सकेंगे अभी तक मैंने इरेजर का यूज नहीं किया है। पेंसिल को जितना लेटा के चलाएंगे और जितना स्मूथ, जो जितने हल्के हाथ से चलाएंगे उतनी ही पेंसिल अच्छा वक्त दिखाएगी। ध्यान रहे जो भी आप पेंसिल से ड्रॉ करें वो हमेशा शेड के अंदर मर्ज हो जाए। आप देख पा रहे हैं जैसे जो भी मैंने ड्रॉ किया था वो हमारा, उसके बाद हम डिटेलिंग निकालेंगे सेम। और मर्ज करते हुए चलें, ध्यान दें देखा। तो हमने V प्लस सी से, ये हमारा बेसिक था V प्लस सी, और ये हमारा सेट का पार्ट है जिसमें हम पेंसिल को कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं और इस तरीके से सेट देते हैं। सेट को हमेशा मर्ज करते चलेंगे हम, तो ये आपके। अब एक आपको मैं और नोज बनाना सिखा रहा हूँ, जैसे अगर हमारा इत्तेफाक से चेहरा ऊपर की ओर हो तो हमारा नोज किस तरीके से बन सकती है, ठीक है? अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया, मैंने क्या किया है, एक एल बनाया, उसके बाद एक एल को हमने कर दिया उल्टा सी। अब इसमें मैं आपको, ये भी आपको नोज नहीं दिख रही है मगर अभी हम इसे जस्टिफाई करेंगे कुछ इस तरीके से। अब इसमें जरा सेट का हम पार्ट दिखाते हैं, सेट किस तरीके से कर सकते हैं हम। अगर हमें किसी के पीछे का बैक नोज भी हमें दिखानी है, चलिए अब हम इसमें सेट करते हैं। सेम पेंसिल हमने उस तरीके से पकड़ लिया, मैंने हमेशा बताया जो भी हम ड्रॉ करते हैं वो सेट में हमारा मर्ज हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
अब इस तरीके से इस जो साइड का हमने ये ड्रॉ किया था, इसको हम इजीली रफ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने साइड नोज के लिए यूज़ किया एल प्लस सी का इज इक्वल टू नोज। एल प्लस सी से हम नोज बना सकते हैं इस तरीके से साइड नोज के लिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर फुल फेस बनाना है नोज तो उसके लिए हम वी प्लस सी का यूज़ करेंगे, नीचे से वी, बड़ा सा सी और उल्टा सी, एक सीधा सी और एक उल्टा सी। और सेट के लिए हम मैं आपको पेंसिल पकड़ना बता चुका हूँ। अगर हमें नोज खड़ी बनानी है किसी का साइड का नोज का दिखाना, तो साइड नोज के लिए मतलब नोज साइड भी हो मगर पीछे का पोर्शन नहीं दिखाना। अक्सर क्या होता है जैसे इस नोज मैंने पीछे का पार्ट नहीं दिखाना, अगर पीछे का पार्ट दिखाना है तो हम एक छोटा सा एल का और यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम नोज क्रिएट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आई होप आपको हमारा वर्क पसंद आए। अगर आपको हमारे काम में कोई भी कमी नजर आती है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप हमसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। तो इसी तरीके से मैं चाहूँगा आपका ढेर सारा प्यार मिल जाए।